स्वादंतर माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे खमन ढोकला, तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। खमन ढोकला बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है जो 250 ग्राम है, 1 कटोरी का नाप 125 ग्राम है। इसमें डालने के लिए मैंने ये साइट्रिक एसिड 1 टीस्पून लिया है, इसको आप नींबू का सत भी बोलते हैं, और नमक लिया है, एक पिंच खाली हल्दी का लिया है, ये बेकिंग सोडा मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, चीनी 3 टेबल स्पून लिया है, तेल मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल लिया है, और थोड़ी सी किसी भी अदरक, हरी मिर्ची और हींग ली है, और पानी 2 ग्लास लिया है जो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें मिक्स करेंगे, और ये बॉटल पानी मैंने पैन में जब हम स्टीम करेंगे उसमें डालने के लिए लिया है, और बघार के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चीनी, नमक स्वादानुसार, कुछ राई के दाने, कुछ करी पत्ते, हरी मिर्च कटी हुई और तेल। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैं सबसे पहले जो हमने बेसन लिया है उसको दोनों को डाल दूंगी। इसको घोलने के लिए हम एक बड़ा पैन लेंगे क्योंकि ये बहुत फूलता है, और इसके अंदर मैं अब ये चीनी डालूंगी, और जो मैंने साइट्रिक एसिड लिया है उसको मैं अभी रहने दूंगी। पहले मैं नमक और हल्दी डालूंगी, और नमक के साथ हल्दी बहुत ही कम लेते हैं वरना बाद में ऊपर से ढोकला लाल लाल लगने लगता है। बेसन में मैंने चीनी, नमक, हल्दी डाला है, हल्दी इतना कम, बस 2 पिंच ही डालते हैं, यदि ज़्यादा हो जाएगी तो हल्दी ऊपर बाद में ना पूरा ढोकला खराब हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, तो हम 1 चुटकी ही हल्दी डालते हैं कलर के लिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से घोलेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे, कोई गांठ नहीं रहे। इसको हम अच्छी तरह फेंटते हुए अच्छी तरह घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसका घोल हम पकौड़ी की जैसे बनाते हैं। अब इसमें मैं साथ में साइट्रिक एसिड भी डाल दे रही हूँ, और इसको हम बहुत अच्छी तरह घोलेंगे, और जितना अच्छा बेसन अच्छी तरह मिक्स होता है ढोकला उतना ही अच्छा बनता है। अब इसमें चीनी, नमक वगैरह हमने घोल लिया है, ये मैं अदरक और हींग और मिर्ची 3 चीज़ लिए, ये ऑप्शनल है, आपको यदि अंदर एकदम ही फीका पसंद तो आप ना भी डालें, और जिनको थोड़ा सा ठीक लगता है मैंने ये डाला है, और मैंने थोड़ी सी 1 पिंच हींग बचाई है जिसको मैं बाद में डालूंगी छौंक बघार लगाते वक्त, तो हम इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसके बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है, बेकिंग सोडा को मैं थोड़ा सा पानी में घोल करके और फिर डालूंगी, तो मैं इसको अच्छी तरह से हिलाती हूँ बेकिंग पाउडर को। इसी के साथ हमारा बेसन फूलने लगता है, देखिए बेसन फूलने लगा, बेसन का कलर भी चेंज होने लगा, और सबके बाद में मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को मैंने पानी में घोला है, देखिए पानी में घोलने से इसमें झाग उठते हैं, और जब इसको गिराते हैं तो ये देखिए बेसन एकदम सफ़ेद होने लगता है, यही इसकी पहचान है कि सोडा डालने से हमारा बेसन का कलर चेंज हो जाता है, यदि सोडा सही है तो। अब ये हमारा घोल एकदम तैयार है बनाने के लिए, और इसको हम बहुत देर नहीं रोकते हैं फिर, और इसके बाद हमने जो तेल लिया था उसको भी डाल देंगे हम साथ में, और अब हम बनने के लिए इसको डालेंगे। तो मैं इसको मिक्स करते करते बीच में मैं पैन, और मैंने ढोकला बनाने के लिए ये जो बर्तन लिया है इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर दूंगी, अच्छे से बर्तन को ग्रीस करना चाहिए ताकि ढोकला आसानी से निकल जाए, तो मैंने बर्तन को बहुत अच्छी तरह से ग्रीस किया है, और इसको मैं अंदर रख रही हूँ। नहीं, जो भी पैन लिया है उसको हम थोड़ा सा प्रीहीट कर लेंगे करीब 1/2 मिनट, ढककर हो गया है,
और अब मैं ये ढोकले का जो हमारा मिश्रण है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। कुकर का हमने ढक्कन लगा दिया है, विसिल हटा दिया और इसको हम मीडियम आंच पर करीब 7 मिनट पकने देंगे और बाद में 6-7 मिनट सिम करके इसको पकने देंगे। हमारा ढोकला पक रहा है, हम उस पर लगाने के लिए बघार तैयार कर लेते हैं। जो मैंने 1 टेबल स्पून तेल छौंक के लिए लिया है उसको मैं डालती हूँ पैन में। गैस मैंने ऑन कर दिया है और जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है तो इसके अंदर मैं जो मिर्च, राई और करी पत्ता लिया है, तीनों चीज़ मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा मिर्ची और ये करी पत्ता ये सब भुन गया है तो अब हम इसके अंदर जो मैंने चीनी नमक लिया है वो भी मैं डालती हूँ और साथ ही जो डालती हूँ ये नारियल और जो पानी लिया है अब हम पानी डालेंगे। इसमें पानी हम अच्छे से डालना होता है, मैंने करीब 1 गिलास पानी लिया वो मैं पूरा डाल रही हूँ और अब हम इसको उबलने देंगे। अब इस पानी के अंदर हम खटाई के लिए या तो 1/2 टीस्पून 1 टेबल स्पून अमचूर इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह हिलाऊंगी और इसको 2 मिनट उबाल आने दूंगी। मैं इसको मीडियम कर दे रही हूँ और इसको ढक्कन लगा दूँ। देखिए हमारा ये बघार उबल गया है। 2 मिनट इसको मैंने ढक के पकाया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा, यदि बहुत कम अमाउंट है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अमचूर डाला है, आप इसके अंदर आप भी अमचूर डाल सकते हैं। इसमें 1 या 1.5 नींबू का रस, मतलब 2 टेबल स्पून नींबू का रस आप छान करके अच्छी तरह से वो डाल सकते हैं या 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड पानी में घोल के डाल सकते हैं। कोई भी एक चीज़ डालेगा, 2 चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने चीनी भी साथ में डाला है, इससे खट्टा मीठा बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है। नमक डाला है और अब ये उबल गया, मैं गैस बंद करती हूँ। अब हम अपना ढोकला देखेंगे तैयार हुआ है क्या। हम ढक्कन उठा के देखेंगे, इसको मैंने टाइट बंद नहीं किया है क्योंकि हम उठा के देखना चाहें तो कुकर यदि स्टीम से एकदम टाइट होता है इसलिए खोल, आप इसको ऐसे ही रख के भी पका सकते हैं और आप किसी और भी किसी बर्तन बड़े भगोने में आप नीचे स्टैंड रख के, पैन रख के और उसको ढक के भी पका सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर इसमें बबल से आने लगे हैं और अब हम इसमें फोर्क डाल के भी देख सकते हैं कि एक साफ फोर्क लेंगे और उसको डाल के देखेंगे कि हमारा ये एकदम क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ढोकला पक गया है। इसे पकने में 18 से 20 मिनट लगे तो, और यदि आप इसको माइक्रोवेव में बनाते हैं तो वो 8 से 9 मिनट में बन जाता है और यदि आप इसको किसी भी स्टीमर में बनाते हैं स्टीम देकर तो इसको करीब 20 मिनट लग जाते हैं। तो हमारा ढोकला तैयार है, मैं गैस बंद करती हूँ और अब इसको हम बाहर निकालते हैं। तो थोड़ा करीब 1/2 घंटा ठंडा करके और फिर निकालते हैं। तो ये ठंडा हो गया है, चारों तरफ से देखा कि हमारा ढोकला नीचे से आसानी से उठ रहा है और उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ढोकले में बहुत ही अच्छी जाली बनी है, हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है और अब हम इसके पीस काटेंगे। एक बार सीधा करेंगे एक प्लेट लगा के और इसके बाद हम इसको सीधा रखेंगे और अब हम पीस काटेंगे। इसके कैसे भी काट सकते हैं, मैं इसके आप इसके चौकोर पीस काट सकते हैं, लंबे काट सकते हैं। जो इसका बघार है उसको भी ठंडा करते हैं। जो हम बघार लगाएंगे उसको भी हमने बना के थोड़ी देर ठंडा किया है, उसको भी गुनगुना रखते हैं, बहुत तेज़ गर्म नहीं डालते हैं नहीं तो ढोकला ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसके ऊपर बघार लगाएंगे। जो हमने बघार बनाया था उसको भी हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप देखेंगे ढोकले में कितनी सुंदर जाली आई है। हमारा खमन ढोकला एकदम लाइट और बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी खमन ढोकला बनाएं, खाएं और अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।